रांची में फ्लैट तो निर्माण कर दिए जाते हैं, लेकिन पहले जब फ्लैट जब बुकिंग करते हैं लोग जब खरीदते हैं तो उनको कई सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब फ्लैट उन्हें दिया जाता है तो उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। वैसा ही माजरा एडलहातू के सोन गणेश रेसिडेंसी का सामने आया है, जहाँ की देखिए पिछले कई महीनों से बिजली बिल बकाया होने के कारण से बिजली का कनेक्शन कट कर दिया गया है। लगभग 7 लाख रुपये का बिजली का बिल आया हुआ है। यहाँ के जो लोग देख रहे हैं आप, ये सभी फ्लैट निवासी हैं और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं रास्ते को भी लेकर, कई सारी बातें कि फ्लैट होकर कि नहीं और को रास्ता दे दिया गया है। तो वैसे में हम यहाँ के फ्लैट निवासी से ही बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए क्या है पूरा ये मामला। ऐसा है कि हम लोगों को करीब 1.5 साल पहले शिफ्ट कराया गया यहाँ पर, हम लोग को कोई पोजीशन लेटर भी नहीं दिया गया, सीधा बिना पोजीशन लेटर का हम लोग को यहाँ शिफ्ट करा दिया गया। कोई 1.5 साल से है, कोई 1 साल से है, कोई 6 महीना से है, कोई 1 महीना से है, कोई 2 महीना से है। लगभग इसमें अभी 2 महीना पहले काम बंद हुआ है, 2 महीना पहले तक बिल्डर का यहाँ पर काम चल रहा था, डेवलपमेंट वगैरह का, ग्रिल का, गेट का, टाइल्स का, मार्बल का, ये सब चीज़ों का काम चल रहा था, जिसका बिजली कॉमन एरिया से लेकर के बिल्डर कर रहे थे, उसका कॉमन एरिया में ही मीटर से कनेक्शन था। हम लोग को जिस समय शिफ्ट कराया गया, कहा गया कि हमारा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अनकम्प्लीट है, तो आप लोग को कॉमन एरिया का बिल अभी नहीं देना है, ठीक है, आप लोग शिफ्ट करिए, जिस दिन सोसाइटी हम हैंडओवर करेंगे उस दिन से आप लोग कॉमन एरिया का बिल दीजिएगा। अभी कुछ असुविधा होने के कारण हम लोग रेरा में चले गए, जैसे ये पीछे का जो गेट है हमारे कैंपस के अंदर से होते हुए दूसरे आदमी को एक रास्ता दे दिया गया है, ये दिखा दिया जाए थोड़ा सा, ये रास्ता दे दिया गया है, जिसके वजह से विवाद हुआ तो हम लोग रेरा में इनके ऊपर केस किए। ये पार्क बनाने के लिए बोले, वो नहीं बनाए, जिम का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सी काम है जो हम आपको अभी चल के दिखाएँगे, देख लीजिए, ये सारा चीज़ के लेकर के रेरा में केस किए। रेरा से इनके ऊपर नोटिस इशू हुआ, 28 तारीख को इनको जवाब देना है, तो जब रेरा का नोटिस, जी 28 जुलाई को इनको जवाब देना है, जब रेरा का नोटिस इनको मिला तब ये जो है सो प्रेशर में आकर के हम लोगों का कॉमन एरिया का बिजली काट दिए, और काट कर बोले कि ये काट दिए नगर निगम, नहीं वो काट दिए, मेरे जानकारी में वो काट दिए, समझे कि नहीं, और ये लगभग 10 तारीख से, और कह रहे हैं कि नहीं बिजली विभाग काटा है, जबकि हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं है, बोलते हैं कि सोसाइटी यहाँ कितना बिजली बिल है, 7 लाख रुपया बिजली बिल। कब आए यहाँ हम लोग, कोई बोले ना, कोई 1 साल पहले आया है, कोई 1.5 साल पहले आया, कोई 6 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना का, तो नहीं देना पड़ेगा, हम लोग देने के लिए तैयार है बिजली बिल, लेकिन जब से हुआ है तब, लेकिन पहले समझा जाए, ये इसमें 108 फ्लैट है, 30 फ्लैट धारी, 108 फ्लैट का कॉमन एरिया का बिजली बिल तो नहीं देगा, ठीक है, फिर भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं बिजली बिल, 30% देने के लिए तैयार हैं, कि जो ये जो बिजली का बिल है आपका जो भी आया है उसमें 70 फ्लैट का आप दीजिए, 30 फ्लैट का हम लोग देंगे, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, और आपके रीजन में जो काम हुआ है उसका बिल आप दीजिए। तो ये बोल रहे हैं, परेशानी हो रही है, अभी परेशानी हो रहा है कि टोटल पैसा ये हम लोग से मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि सारा पैसा आप लोग को भरना पड़ेगा, कॉमन एरिया का बिल है आप लोग, हाँ बिजली काट दिया गया, जब पानी की इतनी असुविधा है कि अपना भाड़े पर जनरेटर ला करके हम लोग जो है सो ये पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर, एक दिन जनरेटर खराब हो गया तो महिलाएं जो हैं सो बाल्टी लेकर के, यहाँ पर नगर निगम का स्कूल है, यहाँ आप देखेंगे बाहर जा करके, वहाँ से बाल्टी से पानी भर करके ला करके आदमी शौच और ये किया घर में, ये स्थिति इन्होंने उत्पन्न करके रखा हुआ है यहाँ पर। फ्लैट आप लोग खरीदते हैं लेकिन इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे यहाँ ऐसा करेंगे, लेकिन अपने दिए गए कमिटमेंट से बहुत ही बैकफुट पे हमारे बिल्डर्स हैं। क्या नाम है बिल्डर का? शंकर दुबे, कत्यानी होम्स। कितने सालों में बना के दिया आप लोगों को? रेडी टू शिफ्ट की स्थिति में, मुझे पर्सनली मुझे उन्होंने रेडी टू शिफ्ट की स्थिति में दिया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो ऑलरेडी रास्ता दे चुके हैं, हमसे ये कमिटमेंट किए थे कि 1 से 2 महीने में मैं गेट बंद करवा दूंगा, लेकिन विगत 1 साल से मैं यहाँ हूँ, पिछले अगस्त 10 तारीख को मैं यहाँ शिफ्ट किया, हम लोग को 3 साल में मिला और आज तक गेट बंद नहीं हो पाया है। जब भी बात होती है तो उनके द्वारा ये होता है कि मैं एक आश्वासन मिलती है कि मैं उसमें लगा हूँ, 2 महीने 4 महीने में बंद कर दूंगा, लेकिन आज तक अभी तक उनके द्वारा दिया गया कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया गया है। परेशानी है,
छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बिना पानी का तो कोई काम नहीं होगा। लिफ्ट नहीं है, पैर में दर्द है, यहाँ ये सेकेंड फ्लोर में देखिए उनका पैर टूटा हुआ है, उनको चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम ले जा नहीं पा रहे हैं ना, ये देखिए मेरा बेटा उधर, थोड़ा कैमरा कर लीजिए, उसका पैर टूटा हुआ है, उसको डॉक्टर पास ले जाना, हम उतार नहीं पा रहे, लिफ्ट बंद है, हम क्या करेंगे बताइए। लाइट कटने से? हाँ, लाइट कटने से। लिफ्ट कैसे उतारेंगे उसको, ये तो घुटना टूटा हुआ है ना, डॉक्टर के पास नहीं। हाँ, डॉक्टर पास, उसका चेकअप का डेट पार हो गया है। तो देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं, 7 लाख रुपया बिजली का बिल नहीं देने के कारण जो है फ्लैट का कनेक्शन काट दिया गया है, और अब जो है फ्लैट के जो मालिक हैं, क्या नाम बताया आपने? शंकर दुबे के द्वारा ये निर्माण कराया गया है। सोन गौरी धनेश रेसिडेंसी ये एडलहातू में है, और यहाँ जो निर्माण कराया गया, देख सकते हैं आप फ्लैट का निर्माण कराया गया, लेकिन चूँकि 7 लाख रुपया जो है बिजली का कनेक्शन जो नहीं बिल दिया गया, उसके कारण कनेक्शन कटवा दिया गया, और अब जो है समस्याएं देख सकते हैं कि सभी जो है फ्लैट में जो रहते हैं उन वह जो है अपना कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं, फ्लैट में जो रह रहे हैं उनकी समस्याएं बिजली कटने के कारण देखी जा सकती है। अब उम्मीद करता हूं कि देखते हैं कि आगे इस पर फ्लैट जो ऑनर हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह जो इतने 7 लाख रुपये बिजली का बिल हुआ, आखिर वह देंगे या फ्लैट जो जितने भी जो जिन्होंने फ्लैट खरीदा है वह देंगे, क्या है क्या दिखाएंगे? ये बिल हम लोग रखे हुए हैं, देखिए बताइए आप लोग बताइए इसके बारे में। एक महीने में बिजली एवरेज 8 से 9 हज़ार रुपये का आया है, जबकि 5 लिफ्ट चल रहा था, जबकि उसके पाँचों ब्लॉक का, जबकि उसके हिसाब से 17 महीने का माना जाए तो 1,70,000 रुपये टोटल बिल होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी 35 फ्लैट ओनर्स इसमें रह रहे हैं, और पहले इसमें कभी 4 आदमी भी रहते थे, 8 आदमी भी रहते थे, बाद में भी 35 आदमी रह रहे हैं, फिर 35 आदमी जब रह रहे हैं तो 10,000 के आसपास बिल आया है, लेकिन जब 4 आदमी रह रहे हैं तो नेचुरली कि लिफ्ट कम था तो बिजली बिल कम आना चाहिए, तो फिर भी हम लोग हाइयर साइड पकड़ के चल रहे हैं कि आज के हिसाब से यदि 10,000 रुपये का बिल आता है महीने का, तो 17 महीने में 1,70,000 होता है, ठीक है, यदि एवरेज निकाला जाए पहले का तो 1,25,000 रुपये में आएगा, उतना हम लोग देने के लिए बिल्डर सारे फ्लैट धारक तैयार हैं उसके लिए। जी, हमने जरूरत से ज़्यादा जो बिजली के बिल मांगे जा रहे हैं फ्लैट के जो जितना भी रह रहे हैं, यह कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं आप लोगों को लग रहा है? जी, कि जरूरत से ज़्यादा आप लोग, जरूरत से ज़्यादा हम लोग से मांगा जा रहा है, जो हम लोग देने में असमर्थ हैं, जो हमारे हिस्से का है वो हम देने के लिए तैयार हैं, कोई आदमी आए बीच में बैठ के हम लोग का निगोशिएशन करा दे, हम लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बच्चे कष्ट में हैं, बूढ़े कष्ट में हैं, समय की नहीं, बहुत लोग केस किया इस कारण से, हमने दबाव बनाने के लिए कि रेरा से केस हटा लिया जाए, इस कारण इसके वजह से ये सब कुछ किया जाए। ये बिल्डर का एक हथकंडा है जो प्रयोग कर रहा है कि यहाँ पे जो भी ओनर्स हैं इसके तरफ बैकफुट पे हैं, लेकिन हम बैकफुट पे आने वाले नहीं, जब उसने कुछ कमिटमेंट किया तो उसे वो चीज़ देना चाहिए। रेरा में क्या चीज़ आप लोगों ने? रेरा रेरा में जो कम्प्लेन हुआ है, मेन कम्प्लेन सर ये गेट की वजह से है, ये हम लोगों को जिस समय में ये रजिस्ट्री किया गया दिया गया उस समय में ये गेट नहीं था, नहीं बताया गया कि गेट है, जब लोग यहाँ शिफ्ट कर गए तो ये गेट खोल दिया गया, और गेट खोल करके पीछे कॉमन रास्ता आदमी को दे दिया गया, जिसके वजह से विवाद भी हुआ, एक आदमी का सर भी फटा है, उसके बाद इनके ऊपर 307 का केस हुआ, बिल्डर के ऊपर 307 का केस हुआ, उसके बाद बिल्डर जो है हम लोग को गुड फेथ में लेके केस को कंप्रोमाइज भी करवा लिया, बेल मैटर में कंप्रोमाइज करा लिया, बोला कि आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम इस गेट को बंद करा देंगे, जब हम लोग केस कंप्रोमाइज कर लिए तो बिल्डर गेट को बंद नहीं कराया, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि बिल्डर द्वारा इनके साथ एग्रीमेंट किया गया कि जब तक हम आपको दूसरा रास्ता नहीं दे दे रहे हैं तब तक आप इस रास्ता से आइएगा जाइएगा, और बिल्डर ये अभी तक इनको रास्ता न दिया है और न ये गेट बंद हुआ है। इससे क्या दिक्कत हुई होती आप लोगों को जी? इससे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इससे हमारा सिक्योरिटी लेस हो रहा है, अब हम वहाँ गार्ड रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, ये अंदर से ताला मारते हैं, मान लीजिए क्या करेंगे नहीं करेंगे हम क्या जानते हैं, हमारा तो कैंपस सेफ होना चाहिए ना, हमारा तो कैंपस सेफ होना चाहिए, और ये लोग भी परेशान हैं, ये लोग से भी पूछ लिया जाए, आप भी बताइए आप लोग का क्या परेशानी है, क्या कहा बताइए? यही कहा गया था कि बगल से आप लोग को रास्ता देंगे तो ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ? नहीं, एक ही रास्ता है। तो क्या होता है, आप लोगों से बहस होती होगी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते होंगे? हाँ होता है, आप बताइए, सब बताइए, जो जो हुआ सब बोलिए।
आप लोगों को रास्ता नहीं है जाने का, इधर से ही होके जाते हैं, इधर से ही जाते हैं। क्या कहा था आप लोगों को जो जमीन दिया था, मकान बनाए थे, आप लोग पहले आए थे या अपार्टमेंट? नहीं, हम लोग तो यहाँ बहुत पहले से हैं। आप बताइए ना, ये जमीन कैसे था, क्या था, सब कुछ बताइए। हाँ, पहले से दिया गया है, 15 फीट का रास्ता था मेरा। हाँ, यहाँ से यहाँ सीधे सीधे पेन पेपर में नहीं है, कहीं नक्शा में नहीं है, कहीं कागज में नहीं है, कहीं डीड में नहीं है। भरवली इन लोगों को रास्ता दिया गया इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए। इन लोगों के द्वारा जब विवाद खड़ा किया गया कि हमको इधर से आना जाना है, तो इनको एक आश्वासन दिया गया कि अभी आप लोग इधर से आइए जाइए, हमको टावर खड़ा करने दीजिए, ठीक है, आज जब ये टावर खड़ा हो जाएगा तो हम आपको बगल से रास्ता दे देंगे, तो आप ये रास्ता छोड़ दीजिएगा। ये कहना में इनका है, लेकिन हम लोग को ये भी चीज़ नहीं बताया गया। हम लोग को जब फ्लैट दिया गया तो ये भी चीज़ नहीं बताया गया कि हमने किसी आदमी को इधर से रास्ता दिया है, और ना हमारे नक्शा में कहीं दर्शाया गया, ना हमारे डीड में, ना हमारे एग्रीमेंट में। जब हम लोग यहाँ आए तो इनके द्वारा छोटा गेट से बड़ा गेट किया गया, उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्शन किए तो इनसे हम लोग का विवाद हुआ। उसमें बिल्डर जो है सो बोला कि आप लोग आपस में लड़िए मरिए, जिसमें हम लोग आपस में लड़ मर गए। एक आदमी का सर भी फट गया, केस भी हुआ, इनके भाई के ऊपर 307 का केस हुआ, ये लोग भी हम लोग के ऊपर केस किया, बिल्डर के ऊपर भी केस किया, फिर बिल्डर के कहने पर हम लोग कंप्रोमाइज़ भी किए। कंप्रोमाइज़ होने के बाद इनका भी बेल हो गया, बिल्डर का भी बेल हो गया, लेकिन वो केस फिर रीओपन हो गया, चूँकि 307 का केस था, अटेम्प्ट मर्डर का केस था, वो केस फिर रीओपन हो गया। जब रीओपन हो गया तो अभी से इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। हैं तो पहले आप लोगों को बोला गया था कि रास्ता दिया जाएगा? जी नहीं, हमको रास्ता नहीं, इनको, हमको तो, हम लोगों को तो बोला ही नहीं गया कि यहाँ रास्ता है, ऐसा हम लोगों को कोई नोटिस नहीं था। मैं लेट आवर में जब यहाँ फ्लैट बुक करने आया, मैंने गेट देख के ऑब्जेक्शन की, तो उन्होंने कहा कि ये गेट हम पीछे वाले के लिए दिए हुए हैं, मैं जल्द 1 से 2 महीने के अंदर इनका रास्ता कोई दूसरा मुहैया करवा दूंगा, जो कि आज तक नहीं हुआ। और बाद में ये जो रिटर्न नोटिस है मेरे आने के बाद इनके द्वारा टांगा गया, मैं इसके बारे में तहकीकात जब किया तो पता चला कि नहीं, बिल्डर ने एक लिखित इन लोगों को दे रखा है कि जब तक मैं आपको दूसरा रास्ता हम लोग नहीं देंगे तब तक आप लोग इधर से आइए और जाइए, ऐसा बिल्डर का कहना है। तो देखिए किस तरह से जो है रास्ता जो है अपार्टमेंट से बीच से होकर, देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं आप, किसी निजी घर को दे दिया जाता है। पहले अपार्टमेंट वालों को यह प्रलोभन दी जाती है कि सभी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो है आप देखिए कि किस तरह से समस्याएं फ्लैट में जो रहते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसको देखने को मिलता है। ये जो है कह सकते हैं कि फ्लैट लेने के बाद जो है यहाँ क्या कुछ, कल इसमें एक बच्चा गिर गया हमारा, ये डैमेज है, क्या है यहाँ पे डैमेज, क्या चीज़? ये सर सीवरेज का लाइन है जो धस गया है, इसमें कल हमारा एक बच्चा गिर गया, ये देखा जाए, ये स्थिति है अपार्टमेंट का। तो ये क्या गड़बड़ी क्या है यहाँ पर, देखा जाए सर, नीचे जो है सो इसको पक्का नहीं किया गया, बढ़िया से मिट्टी फिलिंग नहीं की गई, इसको दबाया नहीं गया, ऊपर से सिर्फ जो है सो बालू डालकर फेबर ब्लैक डाल दिया गया, जिसके वजह से ये धस गया। और ये एक ऐसा यहाँ ही नहीं हुआ है, कई जगह पर ऐसा है सर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आगे भी है। देखिए कई सारी समस्याएं जो है फ्लैट में देखी जा सकती है, और निश्चित रूप से ये पीड़ा फ्लैट में जो रहने वाले हैं इनका है। एक तो बिजली के बिल नहीं देने के कारण बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, जिसके कारण फ्लैट में जो रह रहे हैं उन लोगों को दिक्कतें आ रही है। रास्ता फ्लैट होकर जो है दूसरे घर वाले को बीचों बीच दे दिया गया है, और ये जो भूस्खलन की बात जो देखी जा रही है कि बच्चे जो है इस गड्ढे में गिर जा रहे हैं, ये सब कई सारे बात जो है इस अपार्टमेंट के जो है ऑनर उन पर जो है कहीं ना कहीं कही जा रही है। हम निश्चित रूप से इनके जो ऑनर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी समस्याओं को लेकर जो इनका कहना है इस पर, ये सब आरोप पर उनका क्या कुछ कहना है। आप कब आए हैं यहाँ रहने के लिए? नहीं, आप लोग भी यहीं रहते हैं अपार्टमेंट में? आप लोग भी रह रहे हैं यहाँ? सबसे पहला व्यक्ति हम है। हाँ, हम जून 2019 में शिफ्ट किए, उसमें कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन मजबूरी थी तो मैं यहाँ शिफ्ट कर गया, उस समय से हम हैं। अब बताइए कि कॉमन एरिया का एक साल से 1.5 साल से लाइट जाने लगा, अब हम 2019 में शिफ्ट किए, उस समय से आज का पैसा हम कैसे देंगे, जब हम यहाँ थे यहाँ कॉमन भी जला ही नहीं, लाइट कब से चल रहा है, लाइट चल रहा है कॉमन एरिया का, हमको लग रहा है 1.5 साल से, अगस्त पिछले
अगस्त, हाँ पिछले अगस्त से, और हम बहुत परेशानी में रहे ये सोच के चलो भाई अच्छा अपार्टमेंट है और मेरा हाँ हम फिर हम इधर मार्च में अभी आए, एक साल के लिए मैं बाहर था अभी आए। अब एक चीज़ बताइए, किसी अपार्टमेंट में बीच से बीच बाहर का आदमी का राहत कोई भी दे सकता है? और हम लोग को बताया नहीं गया, सबसे व्यवहार होता हम लेते ही नहीं, क्यों लेते? कोई भी आदमी सेफ्टी के लिए लेता है ना। हम तो अगर रहता कि नहीं इधर से दूसरा नहीं घुसेगा तो हम पैसा मेरा काटता था, हम तो रिटायर करे बड़े मुश्किल से पैसा हम लोग कमाए, उसको सारा यहाँ रिटायर लोग ही यहाँ पे जी जी रिटायर जीवन भर का कमाई अब यहाँ लगा दी है, पूरे जीवन भर की कमाई इसमें लगी हुई है, पूरे जीवन भर जो कमाए बच्चों के लिए एक आशियाना खरीदे, वो भी आशियाना देख लीजिए किस संकट में पड़ा हुआ है। अगर हम लोग को आज कस्टमर मिले तो हम लोग आज यहाँ से बेच कर निकल जाएंगे। हम लोग इतना दुखित है कि बिल्डर के साथ साथ हम लोग भी कस्टमर खोज रहे हैं, बिल्डर बिल्डर जैसे कस्टमर खोज रहा है ना अपना फ्लैट बेचने के लिए। अब लिफ्ट का लाइन कटा हुआ है, सेकंड फ्लोर में हम है, मेरी माँ कैसे नीचे उतरेगी, हमको डॉक्टर पास ले जाने नहीं ले जा पाते हैं, एक हम किसी तरह उतरते हैं, हम भी रिटायर्ड हैं। इनह्यूमन है कि आपका बिजली काट दिया गया है, कारण जो भी हो 108 फ्लैट है जिसमें अभी 32 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, तो आप भी खाली है, हाँ बाकी सब बिका नहीं है, कुछ खाली है, तो अभी सवाल ये उठता है कि आप कितना इनह्यूमन काम हुआ है कि आपका पानी और बिजली काट दिया गया है, 32 फ्लैट में रहने वाले लोग पानी के और बिजली का क्या व्यवस्था हो सकता है? हम लोग जनरेटर मंगा करके 1,000 रुपया, एक दिन फेल कर गया तो हम लोग मंदिर से जाके पानी ले आए, ये बहुत इनह्यूमन है। हम लोगों को सही बात बोल रहे हैं लोग, हम भी ओनर हैं यहाँ, दो दो फ्लैट के ओनर हैं। अभी सवाल उठता है कि इसके बारे में कभी हम लोग को नहीं बताया गया कि यहाँ तो रास्ता दिया गया ये लोग को, और आप एग्रीमेंट किए हुए हैं तो इसको रास्ता दीजिए। इतने में खरीदे हैं आप लोग ये? हम लोग तो 45-45 लाख में, एक तो यहाँ 2 BHK 40-45 देखिए 40-45 लाख रुपये में फ्लैट खरीद कर भी जो है आप देख सकते हैं, जो यहाँ फ्लैट में रहने वाले निवासी हैं उनका दर्द कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब हम यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कई सारी समस्याएं, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है और निश्चित रूप से बिल्डर पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। रास्ता किसी फ्लैट होकर किसी आम दूसरे घर को दे जाने के वाले सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ ले जाने के लिए ये लोग अपार्टमेंट खरीदते थे, लेकिन नहीं रास्ता देने के कारण जो है कहीं ना कहीं विवाद भी हुआ और कई सारे बात जो है आरोप लगाए जा रहे हैं फ्लैट मालिकों पर। अब देखने वाले बात होगी कि इस पर फ्लैट मालिक का क्या कुछ कहना है, वह भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। कुछ आदमी सर वहाँ हैं जो दुर्भावनापूर्ण माने क्या बोलिएगा उसको भावना से या षड्यंत्रकारी कहिए, षड्यंत्र के तहत उस सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। क्या ये फ्लैट निवासी? फ्लैट निवासी, कुछ फ्लैट निवासी जो एक क्या बोलिएगा उसको उसको क्या बोलेंगे कि फ्लैटियर जो है सर योजनाबद्ध तरीके से अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जेंटिल फ्लैटियर हैं वो भी उसमें सफ़र कर रहे हैं, और बार बार वो लोग इसी हर महीना 10 दिन पर यही कहानी होता है, लड़ाई झगड़ा इधर उधर, कुछ आदमी का वहाँ काम हो गया है फ्लैट को अशांत कर देना। पेमेंट को लेकर कुछ इशू है? पेमेंट को लेकर कोई इशू नहीं है, सारा जिसका पेमेंट हम लिए सारे रजिस्ट्री कर दिए। काटने की जो बात कही जा रही है जी, वैसे में क्या मध्यस्थता चाह रहे हैं वो लोग, बिजली कनेक्शन वापस सर? वो लोग कल उनका वकील है एक प्रकाश झा, वो हमको फोन किए, हम बोले ठीक है सर तो आपके यहाँ नहीं बैठेंगे, उन लोग के यहाँ भी नहीं, आप लोग मेरे पास आ जाइए, हम बोले एकदम आएंगे सर। उसके बाद ये लोग कल प्रभात खबर वाले को बुलाए, प्रभात का तब जब उनके वकील को हम फोन किए, भाई आप एक तरफ कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये लोग मीडिया कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर वो फोन किए उसके बाद हमको फोन करके बोले कि नहीं वो ऐसे ही अपने मन से आ गया था। हमारा जो फ्लैट है सारा फ्लैट वाले जो भी रह रहे हैं जिनका रजिस्ट्री हो चुका है जब से, वो तब से दें, सोसाइटी का गठन हो चुका है, जितना मेरा फ्लैट बाकी है उसका हम देने को तैयार है, जब भी वो लोग लेना चाहें हमसे ले लें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।